नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं जनों सीरीज की आखिरी ब्लॉग में। पिछले कुछ ब्लॉग में हमने आपको जनों के सारे रीति रिवाज दिखा दिए, सारी रस्में दिखा दी। तो आज का जो यह ब्लॉग है, इसमें आपको जनों का जो सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज होता है, सबसे महत्वपूर्ण रस्म होता है, वो आपको दिखाएंगे। तो आज का यह वीडियो जो है सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रियांश जो तबाही मचाया है, पूछिए मत। क्रियांश को घूमना है नीचे, और इसको यहाँ पर घूमने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं पर पूजा का सामान सब है। और क्रियांश वहाँ जाएगा, कहीं सारे पूजा के सामान को इधर उधर ना कर दे, इसलिए गोद में रख रहे हैं। और अभी तक क्रियांश का लगता है कम से कम 3 ड्रेस जो है चेंज हो चुका है, क्योंकि क्रियांश जो है जिद करते करते नीचे आ ही जाता है और इसका जो है ड्रेस गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर सभी बरुआ सब आ चुके हैं और यहाँ पर जो है मुंडन होगा, फिर जो उनका बाल है उसको लेके विध करनी। तो यहाँ फुआ सब है। तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है। जो भी विधि करनी है, जो भी केस आ रहा है, उनको अपने आंचल में ले रही है और बदले में वहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं उनके जरिए जो है आशीर्वादी मिल रहा है। और हमारे हिंदू रीति रिवाज में जी बहुत कुछ अच्छा खासा आशीर्वादी हो जाता है। स्पेशली हम भूमियार और ब्राह्मण जो भी है, हम लोगों का जनौ होता है, हम लोगों का मुंडन होता है। और शादी की तो बात छोड़िए, वो अलग जगह रखते हैं। तो जनौ और मुंडन में जो है अच्छा खासा हम लोगों का कमाई हो जाता है। और यहाँ पर कमाई सिर्फ हम लोगों का नहीं, बरुए का नहीं, जो विधि करनी होती है उनका भी अच्छा खासा हो जाता है, जो नाई होते हैं उनका भी हो जाता है। और पंडित जी की तो बात पूछिए मत, उनकी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है जी। कमाई को लेकर के आप लोग गलत सेंस में नहीं जाइएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये बात हो रही है जी सभी लोगों के प्यार की और सभी लोगों के आशीर्वाद की। मुंडन होने के बाद इस सर में दही हल्दी का लेप लगाया जाता है, यह एक रस्म तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। जहाँ भी छिलने के दौरान थोड़ा सा भी कटा फटा होता है, यह जो है सारे जख्म को भर देता है और उसको हील करने में काफी मदद करता है। हाँ बोलिए।
ज्यादा है फोन भी है बहुत मिला बहुत हर ईमेल के कुछ की जगह बाहर कर दो ठीक है सर कमीशन का ना आसन उपदेश ने अपने आसन के नीचे छोड़िए हाँ थोड़ा सा पान दही सुपारी सब दीजिए साथ में मूर्धानंद दीपो अरविंद पृथ्विया मसी सतधारम सोहो पवित्र मसी हस्त्र धारम देवस्वा सविता पुनातु वसोहो पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामधुक्षः तू राजुखम हो गया रख दीजिए सुरमा को जहावत बैठ जाइए और उस साइड वाला जो जल का पात्र है तो इधर वाला घी वाला जो है तो घी ढारी हो गया जी और अब बारी है जनों पहनाने की और आज के बाद जो है हम सभी को जनों पहनना होता है जनों हो चुका है तो अपने सभी की यादें ताजा हो रही है प्रजापति सहगम पुरस्कार आयुष मगनम प्रतिमुच शुद्धम यज्ञोपवीतम परमस्तु तेज ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति यह सहजम पुरस्कार आयुष मगनम जैसे इनका लिए यही बुद्धि है यही सिखाए ना बाबा जी सब चीज सिखाएंगे पुरस्कार आयुष मग्नम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज ओम तेज पहले कौन घुसता यार गंजी के नीचे से ऊपर और बोलिए और जितने आचार्य हैं आगे हो जाइए अरबा चावल लेकर के और आप लोग अपना अपना शर्ट पहनिए टोपी पहनिए हो गया सब तलाश में जा जाएगा उनके भी ब्रह्म मानो ब्रह्म वाचसी जायताम महाराष्ट्र पारजन्य सूरा इखभ्यो इद्भ्या महारथो जायताम जितना आदमी है जखावत वहीं पर जुड़ाए ठीक है अपने अपना स्थान चढ़ा रहे हैं की लगभग सारी रस्में हो गई जी और अब बारी है दोनों बरुए को गोल्ड की ज्वेलरी पहनाने की। कोई भी जो शुभ अवसर होता है चाहे शादी हो मुंडन हो चाहे जनों हो उसमें जो है गोल्ड की ज्वेलरी को पहनाना जो है शुभ माना जाता है। जिसको जितना भी हैसियत होता है अपनी हैसियत अनुसार जो है गोल्ड की ज्वेलरी जो है गिफ्ट करते हैं। जैसा की देख सकते हैं दोनों बरुए के गले में पहले से हनुमान जी का लॉकेट है गोल्ड का और उसके बाद जो है नानी जी दोनों को सोने की अंगूठी पहना रही है। नानी जी ने तो अंगूठी पहना दिया जी। अब बारी आई इनकी मम्मी जी की तो मम्मी जी आई हैं और देख सकते हैं अपने साथ गोल्ड का चेन लाई है और दोनों बेटे को एक एक करके पहना रही है।
प्रणाम कर दो खाली हाथ दे दो रे यार हिमान करते अरे नहीं पहले रोगी सब ले रहे हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं तब तक मोबाइल मिल लेना मोबाइल मिल लेना ले 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 यहाँ पति देव खा रहे हैं क्या खा रहे हैं जी दही वड़ा चल रहा है जी दही वड़ा और यहाँ पे क्रियान जो है बकरी के साथ खेल रहा है अभी कटोरी मिली है इसको क्रियांश क्रियांश तो यहाँ पर जो है अपने को सब्सक्राइबर मिल गए जो अपने रिलेशन में ही है तो जिया उनसे बात कर रही है अच्छा अभी फिलहाल क्रियांश उनसे बात कर रहा है देखो देख कैसे रह दूँ बिजी है बहुत बिजी है देखो हेलो मुझे की फ्रेंड है सारी अच्छा क्रियांश क्या हुआ चलो घर लेके चलते हैं ऐसे पीट रहे हो क्रियांश